माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारे, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करूंगी फेशियल, सहनाज का फेशियल कर रही हूँ, उसका कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे मसाज करना है, मसाज स्टेप में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें पूरी बारीकी के साथ बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहे या कुछ ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश कर पाऊँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छे समझ में आए तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बातें ना करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सहनाज का फेशियल किट। तो इसके लिए मैंने इसमें क्लिंजिंग मिल्क स्क्रब, मसाज क्रीम एंड पैक दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पहले इनको क्लिंजिंग करके ब्लीच अप्लाई कर दिया था, देन सेकेंड मैं स्क्रब कर रही हूँ। यहाँ पे स्क्रब को कभी भी आपको हथेलियों से नहीं अप्लाई करना है, आपको इस तरीके से फिंगर टिप से अप्लाई करना है। जेल बेसिस में सारे प्रोडक्ट हैं जिसके वजह से ये आपके आपको क्रीम दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट जेल बेसिस जो होते हैं प्रोडक्ट वो ऑयली फेस के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये ऑयली फेस है इनका, काफ़ी पिंपल्स आ रहे थे छोटे छोटे। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल है तो आप गोल्ड का फेशियल कराइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है गोल्ड के फेशियल से ऑयली फेस के लिए। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे मसाज देना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक स्क्रब को आपके फेस पे करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप अप्लाई करते जाइएगा और इस तरीके से मसाज करते जाइएगा, नोज़ पे कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर एंड फोरहेड पे ऐसे करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कैसे करना है। एंड गालों पे इस तरीके से, ठोड़ी पे ऐसे करना है आपको, हल्का हल्का पानी साथ साथ में लेते जाएगा। इससे क्या होता है कि एक तो आपका हाथ का मूवमेंट जो होता है वो बहुत परफेक्ट होता है एंड बहुत ईजिली आप इसको फेशियल मसाज कर पाते हो। एंड थोड़ी थोड़ी देर पे पानी या गुलाब जल लेने से ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने 10 मिनट तक स्क्रब किया था। स्क्रब के बाद मैं पूरा यहाँ पे फेशियल स्टेप बताने वाली हूँ पूरी बारीकी के साथ, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने 10 मिनट तक फेस पे मसाज दिया स्क्रब को। तो अगर आपका ऑयली फेस है, पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कौन सा फेशियल आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी ब्रांड हो बट आप गोल्ड का लीजिएगा, क्योंकि गोल्ड के प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर जेल बेसिस में आते हैं और ऑयली फेस के लिए जेल बेसिस सनस्क्रीन लो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लो, ऑयली फेस के लिए बेस्ट रहता है, ऑयली फेस के लिए। ओके, गर्दन को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, गर्दन को जो भी एरिया आपका दिख रहा है पूरे फेस जगह पर आपको इस तरीके से, जहाँ पर मैं इस तरीके से कर रही थी वहाँ पर इनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा था, तो मसाज आपको ऐसे ही करना, ध्यान से देखिएगा, नोज पे कुछ इस तरीके से करना है। ओके, आईज के नीचे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट साथ साथ में निकालते जाना है कि आँखों में ना चला जाए। इस तरीके से मसाज करते जाएंगे। ओके, इसी तरीके से पूरा हल्के हाथों से, यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की थी तो आपको लग रहा हो कि बहुत फास्ट कर रही, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत आराम आराम से किया था एंड वीडियो फास्ट होने की वजह से मेरे हाथों का स्पीड जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, बट मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के साथ किया था। और ये काफ़ी बात कर रही थी जो मैंने म्यूट कर दिया था। अच्छा लगता है जब कस्टमर आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो, तो आपको काम करने में मज़ा आता है और कस्टमर को भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, वो नर्वस नहीं होता है या फिर, तो इसलिए कस्टमर को सबसे पहले आप इस तरीके से फील कराइए को बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आपके सामने बात कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बता सके, तो आप उसका ताकि आप उसको अच्छे से मसाज वगैरह दे पाओ जो भी उनके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था मसाज क्रीम, तो मसाज क्रीम थोड़ी सी जम गई थी, ये भी जेल बेसिस में थी, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस तरीके से हाथों पर इसको पहले फैलाया, उसके बाद मसाज दिया, काफ़ी अच्छा ग्लो आया था। इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको अच्छे से उसको पैक को फिर से कस्टमर को अप्लाई करने के फिर से दोबारा से इसको अच्छे से पैक कर देना चाहिए। तो इस तरीके से मसाज मैंने स्टार्ट कर लिया है, पूरे क्रीम को फैला लिया है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है क्रीम तो आप उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा ईजिली मुलायम हो जाएगा और जल्दी से मेल्ट होने लग जाएगा। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा फेशियल का वो होता है सर्कुलर मूवमेंट। तो सर्कुलर मूवमेंट में हमेशा आपको इस तरीके से मसाज देना होता है,
जैसे कि मैं यहाँ पे गालों पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन लिया था क्योंकि अच्छे से ये मेल्ट नहीं हो पा रहा था, तो इतना सा ग्लिसरीन मैंने ले लिया है यहाँ पे। और ऐसे अभी मसाज स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो गालों पे आपको कुछ इस तरीके से करना है। आँखों के साइड में, ठोड़ी पे ध्यान से देखिएगा, अपर लिप्स पे, नाक पे सॉरी आइज के ऊपर, फोरहेड पे, तो इस तरीके से। सेकंड स्टेप में आपको मुट्ठी बंद करना है और पूरे फेस पे मुट्ठी बंद करके ही मसाज करना है। तो इस तरीके से मुट्ठी बंद करके पूरे फेस पे आपको मसाज देना है। सारे मसाज स्टेप जो है वो 5-5 मिनट में देना है, 2-2, 3-3 मिनट स्टेप के साथ। एंड सारे मसाज के बाद आपको सर्कुलर मूवमेंट वाला मसाज तो देना ही देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरीके से आपको 15 मिनट तक कम से कम ये पूरा फेशियल स्टेप का मसाज देना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया था, आइज के ऊपर, फोरहेड पे, सारी जगह एक बार मसाज स्टेप देने के बाद से करना ज़रूर है। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है वो भी बता रही हूँ मैं अभी। थर्ड में आपको इस तरीके से टाइपिंग करना होता है, और टाइपिंग को बिल्कुल जल्दी जल्दी, फिंगर्स को जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना जल्दी असर होगा। अगर आपसे टाइपिंग नहीं हो पा रही तो इस तरीके से आप टैप टैप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, क्रीम मसाज होती है, वो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाती हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी 1-2 मिनट किया। उसके बाद दोबारा से हम लोग सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। सर्कुलर मूवमेंट के लिए मैंने यहाँ पे नोज से स्टार्ट कर दिया। नाक पे भी इस तरीके से हमको मसाज देना है। नाक पे हम लोग ज़्यादातर मसाज देंगे क्योंकि हमारा जो ब्लैकहेड्स होता है ज़्यादातर हमारे नाक पे ही आता है। तो इस तरीके से पूरा मसाज स्टेप देने हैं बारी बारी से। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप में आपको कैसे करना है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। फोर्थ स्टेप में हमको इस तरीके से करना है। सर्कुलर मूवमेंट हमारा ये स्टार्ट हो गया टाइपिंग टैप टैप के बाद से। पूरी बारीकी से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में हमको इस तरीके से करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ऐसे ही सारे मसाज आपको करने हैं। उसके बाद से आपको पैक लगाना है। पैक लगा के पैक को 15 मिनट तक छोड़ना है। अच्छे से ड्राई होने के बाद आप उसको रिमूव करोगे। पूरे फेशियल में इन्होंने हमसे बात की थी। पांचवें स्टेप में आपको इस तरीके से करना है। और छठा स्टेप, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो आपके फेशियल में ग्लो लाएगा, वो है प्रेशर पॉइंट, वो भी बताने वाली हूँ, तो एंड तक वॉच कीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है। इससे क्या होता है आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके स्किन में जितनी प्रॉब्लम होती है वो रिमूव होती है और अच्छा ग्लो आता है। देन ये है हमारा प्रेशर पॉइंट, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से करना होता है। आइज के ऊपर यहाँ पे आपको ऐसे खींच के ले जाना है स्किन को, इस तरीके से। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है प्रेशर पॉइंट के लिए। 4-5 बार आप प्रेशर पॉइंट दोगे एंड आपका जो फेशियल मसाज स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो इसी तरीके से मैंने पूरे फेशियल स्टेप दिए थे और ये हमारा दूसरी बार मैं कर रही हूँ। थोड़ी पे इस तरीके से करते हैं जिससे हमारी जॉ लाइन अच्छी बनती है।
आइज के ऊपर, फोरहेड पे, साइड में एंड इस तरीके से नीचे। यहाँ पे आपको थक थक की आवाज़ सुनाई देगी, जिससे कि दबाने से हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अच्छे से ग्लो आता है। तो ऐसे ही आपको 15 मिनट तक मसाज करना है। तो इसी तरीके से पूरे फेस पे मैंने प्रेशर पॉइंट दिया, उसके बाद सारे स्किन को ऊपर की तरफ खींच के ले गए हैं एंड ये हमारा फेशियल मसाज स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। स्पंज पानी को बार बार आपको चेंज करते जाना है एंड इस तरीके से पोंछ देंगे एंड फेस पैक लगा देंगे। फेस पैक लगाने के बाद आप फेस पैक को अच्छे से ड्राई होने दोगे और 15 से 20 मिनट के बाद इसको मसाज करके उतार देंगे एंड जो आपका मसाज करने के बाद आपको 48 घंटे कम से कम फेस पे ना कोई फेस वॉश ना साबुन यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको गुलाब जल या आरओ वाला पानी, जो फिल्टर पानी हम लोग पीने में यूज करते हैं, उस पानी से फेस को वॉश करना है तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पैक अप्लाई करते हैं। पैक को कैसे अप्लाई करना है, पैक को हमेशा आपको इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में अप्लाई करना है। नोज पे हमने लगा दिया, इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में अप्लाई करना है क्योंकि जब पैक सूखता है तो हमारी स्किन टाइट होती है, जिससे कि अगर आप जिस डायरेक्शन में फेस पैक को लगाएंगे वो उसी डायरेक्शन में रह जाएगा। ओके लगाने के बाद मैंने इनको पैक को अच्छे से सूखने दिया था। सूखने के बाद नॉर्मल पानी से मसाज करके उतार दिया था। पैक को कभी भी डायरेक्ट नहीं उतारना चाहिए, मसाज करके उसको लूज कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उतारना चाहिए, उससे आपके स्किन पे दिक्कत नहीं आएगी एंड तो हो सकता है कि आप ऐसे सूखा ही हुआ निकालोगे तो दिक्कत हो जाए। तो इसलिए आपको हमेशा पानी से मसाज करके फिर उतारना चाहिए। उसके बाद आपको गुलाब जैसे पूरे चेहरे को भिगो देना चाहिए, फिर टैप टैप करके उसको पोंछ लीजिए एंड फेशियल आपकी कंप्लीट हो गया है। आपकी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।